हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हमने साइकोलॉजी का स्कोप यानी डिमांड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताना है कि दुनिया में साइकोलॉजी किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से मैनकाइंड की हेल्प कर रही है। इसमें हम स्टार्ट, ये जैसा आपने ये सारा नज़र आ रहा होगा आपको कि हम डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे कि साइकोलॉजी पहले, जैसे थर्ड ईयर में भी हमने देखा था कि पहले हम साइकोलॉजी को फिलॉसफी के साथ ही पढ़ते थे, ये एक अलग सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन बाद में इस चीज़ को महसूस किया गया, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो फिलॉसफी है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम साइकोलॉजी, इसलिए हमें साइकोलॉजी को फिलॉसफी से सेपरेट करना है। और साइकोलॉजी को, चूँकि कहा यह जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, सोशल साइंस, इसलिए हमें इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसका मटेरियल इकट्ठा करना है और फिलॉसफी को साइकोलॉजी से अलग करना है। इसी सिलसिले में स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया गया तो डिफरेंट डेफिनेशन इसकी डेवलप हुई, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसमें अपना अपना रोल प्ले किया। ये सारा आप थर्ड ईयर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारा कुछ पढ़ के आए हैं। आपने इसको नोट्स की फॉर्म में इसी तरह से एलैबोरेट करना है कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, यानी नफ्सियात बतौर इल्म रूह। इसमें आप कहते हैं साइकोलॉजी दो अल्फाज साइकी और लोगों से, जो ग्रीक वर्ड्स यानी यूनानी जुबान के अल्फाज थे उनसे ये माखूज किया गया, डिड्यूस किया गया। साइकी मींस यानी जिसको रूह या सोल कहते हैं, और लोगोस जिसका मतलब है इल्म हासिल करना या टू गेट नॉलेज अबाउट समथिंग। तो उसके मुताबिक इसका जो पहली डेफिनेशन बनती है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, यानी रूह के बारे में इल्म हासिल करना या टू गेट नॉलेज अबाउट सोल। रूह जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिस्ट थे, अरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन उनका मानना यह था कि इसके ऊपर तजर्बात करना या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना मुश्किल है। इसका मुशाहिदा करना, इसको मेयर करना, ये बताना कि ये जिस्म के किस हिस्से में है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो डेफिनेशन थी वो बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दी गई और इसका ताल्लुक मज़हब से जोड़ दिया गया। अब नंबर टू डेफिनेशन, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, ये डिवेलप की विलियम वुंट ने, और इसने जहाँ पर साइकी का मतलब रूह था डिक्शनरी के अंदर, वहाँ पे साइकी का मतलब जहन भी था, माइंड। तो इसने क्या किया कि दूसरा मीनिंग यूज़ किया और इसने कहा कि टू गेट नॉलेज अबाउट माइंड, और इसने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी जहन के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर काम किया। लेकिन ना तो ये उनके कामों के बारे में कोई चीज़ बता सका और ना ही ये उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स थे उनके नाम बता सका, लिहाजा इसकी डेफिनेशन जो है ये बिल्कुल साइकोलॉजी को लिमिटेड करने के मुताबिक है, यानी महदूद करती है। तो उसके ऊपर फिर साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जेक्शंस भी किए और फिर नई डेफिनेशंस भी इंट्रोड्यूस करवाई। ये जो सेकंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी दैट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड इज नॉट रिजेक्टेड बट लिमिटेड, यानी साइकोलॉजी को महदूद कर रही है, ये इसको रिजेक्ट नहीं किया गया। नंबर टू जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें फ्रॉइड के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, सुना है, जानते हैं कि वो एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने साइकोलॉजी के बहुत सारे शोबों में काम किया। तो उसने माइंड के पार्ट्स के ऊपर भी काम किया और उसने कहा कि माइंड के तीन पार्ट्स हैं, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। और इसी को लेके जो विलियम जेम्स था उसने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस की साइंस है, कॉन्शियसनेस या इल्म शऊर, कि हम जिस चीज़ के बारे में फुली अवेयर हैं हम उसी चीज़ को मैयर करते हैं। अब कॉन्शियसनेस को मालूम करना, मैयर करना, उसके लिए हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसको यूज़ किया गया और उसके बारे में ये कहा गया कि कॉन्शियसनेस को हम मैयर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लिहाजा ये भी पार्ट ऑफ साइकोलॉजी हो गया। लेकिन चूंकि ये भी लिमिटेड था, सिर्फ पार्ट, सिंगल पार्ट ऑफ ब्रेन, तो इसलिए इसको भी ये कहा गया कि ये लिमिटेड है,
फिर अगली डेफिनेशन नए साइकोलॉजिस्ट के साथ आ गई, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके ऊपर नफ्सियात बतौर इल्म किरदार, इसके ऊपर काम किया वॉटसन ने, और ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसने जो ओवर्ट बिहेवियर है उसके ऊपर काम किया। इसने अपने काम को प्रूफ करने के लिए बाकायदा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और अपने काम को इसने साबित किया कि जो ये चाहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन इसने भी साइकोलॉजी को लिमिटेड कर दिया क्योंकि माइंड का पार्ट इसने टोटली उसके अंदर से निकाल दिया। अब लास्ट डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है, ये जोश आर जैरो साइकोलॉजिस्ट है जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, उसने पिछली तमाम डेफिनेशंस को सिवाय साइंस ऑफ सोल बाकी सब को उसने कलेक्टिवली इंट्रोड्यूस करवाया और ये कहा कि साइकोलॉजी सिर्फ माइंड की साइंस नहीं है, कॉन्शियसनेस की साइंस नहीं है, बिहेवियर की साइंस नहीं है, बल्कि इन तमाम चीज़ों को मिला के जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर प्लस मेंटल प्रोसेसेस। यानी हम इसके अंदर ज़हनी अमाल यानी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं और बिहेवियर यानी किरदार के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जाती है कि साइकोलॉजी जो है उसके अंदर हम इंसानों के ज़हनी अमाल और उनके किरदार के बारे में इल्म हासिल करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसका परसेप्शन देखते हैं तो ये एक पूरे ह्यूमन बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेसेस यानी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम किस तरह आपकी बॉडी को आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर पढ़ा जाता है। इसके बहुत सारे मेथड्स या डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं जो इसको स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन है, इसी तरह से सर्वे मेथड है, क्लिनिकल मेथड है। ये सारे मेथड्स आप थर्ड ईयर में भी सारा कुछ पढ़ के हैं। आपने ब्रीफली ये स्केच इसमें डेवलप करना है कि जिसमें आपने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में ये जो क्वेश्चन आपका है राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, अगर ये पेपर में आता है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से, फिर सारी डेफिनेशंस को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, फिर उनके साइकोलॉजिस्ट के नाम उनमें और उसके बाद उनके मेथड्स और एंड पे जो जोश आर जैरो की डेफिनेशन है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। अब ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसके बाद अब जब नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो नंबर टू पार्ट जो है दैट इज द एम्स ऑफ साइकोलॉजी या गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो अभी डिस्क्राइब करते हैं कि नंबर टू जो है वो दैट इज द गोल्स और एम्स ऑफ साइकोलॉजी में किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब हो गया जिसमें आपने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में सुना कि किस तरह से मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने फाइनली जो एक डिफाइन किया साइकोलॉजी को, दैट इज़ द मेंटल प्रोसेस टू स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, और उसी डेफिनेशन को देखते हुए फिर इसके गोल्स को डिस्क्राइब किया गया साइकोलॉजी के डिफरेंट गोल्स को। अगर आप देखते हैं पहला गोल है बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके जो एटीट्यूड और उनकी जो एजुकेशन, उनका ओवरऑल यानी पूरे बिहेवियर को क्या किया जाए उसको ऑब्जर्व किया जाए। सेकंड गोल है कि उस ऑब्जर्वेशन के तहत उस बंदे की पर्सनालिटी को, उसकी शख्सियत को डिस्क्राइब किया जाए, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर है जिसमें वाजिया किया जाए कि इसकी पर्सनालिटी किस किस्म की है। फिर उसका जो तीसरा गोल है दैट इज़ साइकोलॉजिकल प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर उसका मौजूदा बिहेवियर किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव है तो जो हमारी पेशेंट गोई या प्रिडिक्शन है दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव, कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, तो एक टीचर उसका जो प्रिडिक्शन है वो क्या करेगा कि ये इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेगा। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ नोट करते हैं कि उस बंदे का बिहेवियर नेगेटिव है तो प्रिडिक्शन क्या होगी, ज़ाहिर है नेगेटिव होगी। तो उस नेगेटिविटी को फिर क्या किया जाता है, नंबर फोर बिहेवियर कंट्रोल, यानी उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है ताकि वो मनफीपन ख़त्म करके उसके बिहेवियर को पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट किया जाए। तो बिहेवियर कंट्रोल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए कि किस तरह से वो एक इंसान के प्रॉब्लम्स को
क्या करेगा, सबसे पहले हाईलाइट करेगा, देखेगा उसके बिहेवियर को, जिसमें ऑब्जर्वेशन के बाद उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करने के बाद फ्यूचर के बारे में यानी मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई की जाए, और उस पेशन गोई के मुताबिक उसके बिहेवियर के अंदर जौन सी चेंजेस, मस्बत चेंजेस, या उसकी जो चाहे एजुकेशन के हवाले से हों, चाहे उसकी सोसाइटी एडजस्टमेंट के हवाले से हों, फैमिली के हवाले से हों, जॉब के हवाले से हों, उसके अंदर मस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो लाई जाएँ। इन गोल्स को देखते हुए बहुत सारी ब्रांचेज हमारी जो साइकोलॉजी की हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम कर रही हैं। जैसे आप कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, फिर इसी तरह से काउंसलिंग साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपने थर्ड ईयर में पढ़ा था कि अराउंड 54 ब्रांचेज जो हैं वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं साइकोलॉजी की, और वो इन तमाम 54 डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में हेल्प आउट कर रही हैं लोगों को। इसी तरह आप देखेंगे कि हम जो अभी ये नेक्स्ट आगे करेंगे, हमारा जो बुक में जितनी ब्रांचेज हैं वो सारी मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड हैं, और उसमें साइकोलॉजिस्ट उस शोबे से रिलेटेड जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनता है और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है वो इसके ऊपर एंड आप जब करेंगे, इसको फाइनल एंडिंग पॉइंट देंगे, तो उसमें आप लिखेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो तकरीबन ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को ओवरऑल स्टडी कर रहा है। हर शोबे में, ज़िंदगी के तमाम शोबों में साइकोलॉजिस्ट इंसानों के मसाइल को समझ रहे हैं और उनके मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसान एक खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। तो जितनी डेफिनेशन या जो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, इन तमाम को अगर आप ओवरऑल करते हैं तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होता है कि जो ये कमिंग वर्ल्ड है उसमें साइकोलॉजी जो है उसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के मसाइल या प्रॉब्लम्स ज़िंदगी के हर शोबे में, वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और उन्हें हर शोबे में रहनुमाई या मदद या काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो जो साइकोलॉजी है और साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनके प्रॉब्लम्स को सुनते समझते और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इसके ऊपर ये नोट जो है वो एक लिखना है, क्वेश्चन जो 8 नंबर का होगा, जिसमें आप बताएंगे कि पहला सवाल क्या है कि राइट अ नोट ऑन अ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसके ऊपर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ सॉरी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, और एंडिंग पॉइंट जो होगा उसमें आप बताएंगे कि तमाम शोबों में, तमाम डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में इंसान को रहनुमाई और मदद की ज़रूरत है जो साइकोलॉजिस्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही इसका स्कोप है जो आने वाली यानी फ्यूचर लाइफ में साइकोलॉजी की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, और उसकी बढ़ती हुई डिमांड जो है वो ये शो करती है कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है।